यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के एक पायलट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दावा है कि उसने अपनी ही सरकार को इस युद्ध का गुनहगार बता दिया। इस पायलट ने ये बातें तुर्की में उड़ान के दौरान यात्रियों से कही, जिसका एक वीडियो ऑस्ट्रिया में यूक्रेन के राजदूत ने जारी किया। इसमें रूस की एयरलाइंस पबीदा का ये पायलट यात्रियों को उड़ान से जुड़ा जरूरी संदेश देता दिखा। हवाई सुरक्षा से जुड़े नियम बताने के बाद उसने यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया। दावा है कि इस दौरान पायलट ने यूक्रेन पर किए गए हमले पर सवाल उठाए और इसके लिए अपनी ही पुतिन सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि पायलट ने यात्रियों से कहा कि यूक्रेन में युद्ध करना अपराध है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस पायलट की तारीफ की तो कई ने आलोचना भी की। वहीं रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने हल्ला बोल दिया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भी कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को पकड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उसने भी हिम्मत नहीं हारी और खुद को छुड़ाने के लिए उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया तब उसने हार मान ली। इसके बाद उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया गया। इसी तरह उस इलाके से कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए उन्हें जबरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। सेंट पीटर्सबर्ग की ही तरह रूस की राजधानी मॉस्को में भी पुलिस एक्शन में दिखी। वहां भी पुतिन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। खबर है कि जंग के खिलाफ रूस के 23 शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों को वहां की पुलिस पकड़कर थाने ले गई।